नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के शेष रहे 10,029 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाने को लेकर। तारानगर चूरू से जो विधायक हैं नरेंद्र कुमार जी बुडानिया, इन्होंने सीएम साहब अशोक जी गहलोत को पत्र लिखा और नियुक्ति की मांग की। जी दोस्तों, क्या पूरी अपडेट आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को जरूर से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, नरेंद्र जी बुडानिया जो विधायक हैं तारानगर चूरू से, उन्होंने माननीय सीएम साहब अशोक गहलोत को पत्र लिखा 16 अगस्त 2020 को। विषय यहां पर कहा गया पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 में शेष रहे पदों पर पुनः भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करवाने बाबत। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसे ही आपने देखा यहाँ पर पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के शेष रहे पदों पर पुनः भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करवाने के लिए यहाँ पर निवेदन किया है कि मुझे अवगत करवाया गया कि वर्ष 2013 में पंचायत राज द्वारा एलडीसी प्रसिद्धि भर्ती निकाली गई थी, जिसमें आधे पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो पाई थी तथा शेष रिक्त पदों पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। इसके पश्चात वर्ष 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए सीधी भर्ती पुनः प्रारंभ करवाने के आदेश की अनुपालना में भर्ती प्रक्रिया 5 मार्च 2019 को होनी थी, किंतु लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के शेष रहे पदों पर पुनः भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में मेरे द्वारा आपसे पूर्व में भी निवेदन किया गया था। वर्तमान में इस भर्ती के संबंध में बेरोजगारों द्वारा कई माध्यमों से मांग की जा रही है। बेरोजगारों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाकर मुझे अनुग्रहित करवाएं। बहुदीय सादर यहाँ पर नरेंद्र कुमार बुडानिया। जी हाँ दोस्तों, तारानगर से जो विधायक हैं नरेंद्र जी बुडानिया, इन्होंने माननीय सीएम साहब अशोक जी गहलोत को पत्र लिखा है और वर्ष 2013 की पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के शेष रहे 10,029 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाने की यहाँ पर मांग की है। निवेदन किया है कि मैंने आपको पूर्व में भी अवगत करवाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी। बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा पुनः मुझे अनुरोध किया गया था, आपसे मेरा अनुरोध है कि पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के शेष रहे 10,029 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाने की कृपा करावें। यह दोस्तों बड़ी अपडेट। तारानगर एमएलए नरेंद्र जी बुडानिया ने यहाँ पर माननीय सीएम साहब अशोक जी गहलोत को पत्र लिखकर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाने की मांग की है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो एमएलए हैं तारानगर चूरू से नरेंद्र जी बुडानिया, उन्होंने सीएम साहब अशोक जी गहलोत को पत्र लिखा 16 अगस्त यानी आज के दिन और भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू करवाने की मांग की है। इन्होंने अपने लेटर में साफ हवाला दिया है कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर अवगत करवाया था, फिर से अवगत करवा रहा हूँ, तो इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाने की कृपा करावें और बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करवाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।